नहीं, सुरक्षित हाथों में नहीं है। गए 4 महीने से जो घटना मणिपुर में घड़ी है, वो घटने के बारे में उन्होंने कोई दखलअंदाजी लिया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पुणे में आके 2 घंटे का फासला तय करके पुरस्कार लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे का फासला तय करके मणिपुर नहीं जाते। ये देश के लिए शर्मनाक बाब है। अगले 2 दिन में हम लोग मणिपुर जाकर मणिपुर की जनता के साथ पुणे, महाराष्ट्र की और देश की जनता है ये संदेश देने का हम प्रयास करने वाले। पहले हमारे महिलाओं को नंगा वहाँ पे नचाया जा रहा है, नंगा उनको घुमाया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो यहां पर प्रदर्शन दे रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन दे रहे हैं। सर, आप मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। नहीं, सुरक्षित हाथों में नहीं है। गए 4 महीने से जो घटना मणिपुर में घड़ी है, वो घटने के बारे में उन्होंने कोई दखलअंदाजी लिया नहीं है। उन्होंने बाद में संसद के बाहर आके कहा कि मन दुख रहा है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। की जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन लिया ऐसा दिखाई नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको आदेश दिया कि वह मणिकर के बारे में कुछ तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, उधर वो हाजिर हो गए और रिप्लाई देके बताएंगे बाद में क्या होने वाला। आपके प्रदर्शन करने से वो बोल देंगे? हमारा तो काम है ना, ये करने का तो काम है। मेरा विचारधारा जो है तो उनके अगेंस्ट है, और उन्होंने जो काम किया है वो महिलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करते। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, लेकिन वो उतना वो काम नहीं है। वो हो सकते दावे करते हैं कि महिलाओं के लिए ही वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, महिलाओं के लिए कानून लाते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन तो भी मणिपुर में जो बलात्कार हो गया, जो लेडीज़ का कपड़े उतर के जो भी ये हो गया, तो वो उतना तो सीरियसली उन्होंने एक्शन लेना चाहिए था, ऐसा सभी लोगों का कहना है। और जो जाति जाति में झगड़ा करते हैं लाते हैं, इसका वो ये होता है ना, डिवोल्यूशन ऑफ कास्ट वाइज ऐसा होता है। वो जाति में झगड़ा नहीं करवा रहे, वो तो जो एक तबका था उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति जो आप कहते हैं वो तो हिंदुओं को संरक्षण देने का। हिंदुत्व अलग है और ये जो विचारधारा है वो अलग है। हिंदुत्व करके वो नहीं कर सकते ऐसा। आप क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। जिस तरीके से 4-4.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर अपनी चुप्पी साधे हुए, इस प्राइम मिनिस्टर को इस देश को बचाने के लिए, मणिपुर बचाने के लिए वक्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पुणे में आके 2 घंटे का फासला तय करके पुरस्कार लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे का फासला तय करके मणिपुर नहीं जाते। ये देश के लिए शर्मनाक बाब है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं। अगले 2 दिन में हम लोग मणिपुर जाकर मणिपुर की जनता के साथ पुणे, महाराष्ट्र की और देश की जनता है ये संदेश देने का हम प्रयास करने वाले। और मुझे ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी चुप्पी तोड़े या न तोड़े, लेकिन इस देश की ने के जनता चुप्पी जरूर तोड़ेगी, ये संदेश प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी पार्टी ने समझ के लेने की आज जरूरत है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग सिर्फ मणिपुर में बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, और जगहों में कितने सारे हिंसा भड़क रहे हैं उसके बारे में नहीं। देखिए, आज अगर मणिपुर शांत नहीं होएगा, आज अगर मणिपुर के जनता को विश्वास में नहीं लिया गया, तो ये सारा वातावरण नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी कश्मीर तक जाएगा, ये देश के लिए विघातक रहेगा। प्राइम मिनिस्टर कितने साल इस देश का नेतृत्व करते हैं मुझे पता नहीं, मैं कोई ने क्या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाते जाते पूरे देश की शांतता खत्म करते हुए इस देश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्तों पर लेकर जाएंगे। इस तरीके की राजनीति या इस तरीके का वातावरण आज देश में है, ये समझ के लेने की जरूरत आज देश की जनता को भी है, माध्यमों यानी मीडिया को भी है, और देश के प्राइम मिनिस्टर को भी है। आप कह रहे प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन अमित शाह संसद में कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। ऐसा है कि वो आज एक अलग सपने में, देश की जनता की आवाज उनके कानों पे जा नहीं रही है। देश की जनता अपनी आवाज बैलेट मशीन पर जाकर देगी, और इस देश में मोदी आएगा या और कोई आएगा उसका फैसला भी भारतीय जनता करेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप लोग सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं, आप लोग मणिपुर की सच्ची चिंता नहीं करते ऐसा कहा जाता है। ऐसा है कि जिसके हाथों में देश की हुकूमत रहती है उनके हाथों में पूरा देश रहता है। आज मणिपुर शांत करने की या मणिपुर ना जलते हुए उनकी वहाँ के महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना होने की जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के, बावजूद वो इस तरीके के नहीं किया
बच्चों वाले बयानबाजी करते हैं वो खेदजनक है और उसी के साथ देश के लिए शर्मनाक भी है। आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से मणिपुर को लेकर कश्मीरी आई, क्या कुछ कहेंगे आप उसको? पहली बात तो जब से मोदी सरकार आया है तब से महिलाओं को सुरक्षित नहीं समझते हैं। वो वारंवार मराठी में बोलूंगी तो चलेगा, मराठी में बोलूंगी तो चलेगा, अरे जब से मोदी सरकार आया है जब से महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे पूना में महिलाओं के लिए ही कानून बना रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। कुछ क्या दिया है सुरक्षा? जब से मोदी का सरकार आया है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री बने हैं, वैसे अत्याचार महिलाओं पे होते ही आ रहे। अभी महिला का जो मणिपुर में हुआ, इतना दर्दनाक वहाँ का महिलाओं का प्रॉब्लम था, फिर भी इन्होंने कुछ भी एक्शन उसके ऊपर लिया नहीं। और हमारे पूना में आके ये बड़े बड़े बातें करके पुरस्कार ले रहे, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे महिलाओं का प्रश्न चौराहे पे बिठा के ये लोग सत्कार ले रहे, सम्मान ले रहे, बड़े बड़े बातें कर रहे, बड़े बड़े भाषण कर रहे, तो उनको समझना चाहिए कि हमारे भारत की महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो इन लोग को खुद का सम्मान करने की और सम्मान लेने की इनकी औकात भी नहीं है। और उनको कहा जाता है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, पाकिस्तान को घुटने फैला दिया। क्या किया है उन्होंने? आप मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया है जब से वो लोग आए हैं अभी तक? आप बताओ कि भारत में कितने सारे अत्याचार हुए, दिल्ली में कितने सारे अत्याचार हुए, नोएडा में? पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। पाकिस्तान को घुटने पे किसने ला दिया? हमारे मोदी ने? मोदी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपकी सबकी गलत फहमी है। सब लोग की दिशा भूल करने का काम मोदी जी बारम्बार करते है और उनका अभी भी वही प्रयास चालू है। वो कौन से स्वप्न में है, कौन से ख्याल में है, हम लोग को पता नहीं, लेकिन अभी जनता उनको घर दिखाने का काम जरूर करेगी। महिलाओं के सम्मान में हम लोग राष्ट्रवादी के हिस्से हम लोग रास्ते पे उतरे हैं और बारम्बार उतरेंगे जब तक मोदी घर पे नहीं जाते। मोदी ने देश हित में कितने सारी योजनाएं लाई है, कितना सारा काम किया है, वो सब नहीं दिखता? नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कि महिलाओं के बारे में उन्होंने क्या किया है? सिर्फ एक महिला के बारे में, सिर्फ वो जो प्रयास कर प्रवास करते हैं, जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो आधा कर दिया, लेकिन गैस का दर बढ़ा दिया, हमारे महिलाओं का रोज का जो दिन क्रम है वो बिगाड़ दिया, हम लोग सुरक्षित नहीं है, अभी इतने सारे बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी है ना गृह मंत्री। मोदी ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाकर चूल्हा हटा दिया, गैस सिलेंडर दिया। क्या क्या गैस सिलेंडर लाके 1200 रुपए में सिलेंडर ले रहे हैं हम लोग? हमारी कमाई कितनी है, हम लोग खर्चा कितना कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है मोदी जी को? 300 रुपए का गैस था, आपने अगर उज्ज्वल योजना लाई तो श्रुति ईरानी क्या सोई है क्या? अभी कहाँ पे गई श्रुति ईरानी? जो 300 रुपए का गैस था फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी गैस का कम करो रेट, गैस का कम करो रेट, अभी 1200 रुपए हुआ तो क्या सो रहे क्या लोग? स्मृति ईरानी कह रही है कि आप लोग हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल इन सब के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ मणिपुर के बारे में बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी अभी मणिपुर की जो घटना है वो एकदम ताजी है, इसके लिए हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं। नहीं तो अखे महाराष्ट्र में, अखे भारत में बारंबार बहुत बार ऐसे ही हो रहा है कि महिलाओं पे, मीन्स मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आप तो आपको लगता है कि 10 बजे के बाद में सुरक्षित है? अगर हम लोग 10 बजे के बाद में अगर हमारी महिला, हमारी लड़की लड़की अगर बाहर घूम नहीं रहे तो हम लोग कितने सुरक्षित है? ये सोचना चाहिए, ये आत्मचिंतन उनको करने की जरूरत है जो वो कर नहीं रहे और बाकी बड़बड़ कर रहे हैं। अभी हमारे पूना में आके भी वही उन्होंने किया, सत्कार ले रहे, सम्मान ले रहे, इतना मैंने किया है, जिले में ऐसा प्रगति होगा, शहर में ऐसा प्रगति होगा, क्या प्रगति करेंगे? पहले हमारे महिलाओं को नंगा वहाँ पे नचाया जा रहा है, नंगा उनको घुमाया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे, हम लोग कहाँ से सुरक्षित है आप मुझे बताओ? तो ये साफ तौर पर मोदी सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि महिलाएं जो है जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाएं जो है कहाँ सुरक्षित है? जिस तरीके से मणिपुर से तस्वीरें आई हैं तो वो साफ तौर पर झकझोर देने वाला है। मणिपुर जो है 3 महीने से जल रहा है, लेकिन जो है सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, और भी देश में कई सारे तमाम मुद्दे हैं लेकिन सरकार को इस पर से इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर राज्य जल रहा है और यहाँ पर तमाम जो है पोस्टर के साथ यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं,
इनका साफ तौर पर कह रहे हैं 3 महीने से मणिपुर में हिंसा बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जो है सिर्फ विदेश में घूमते हैं, इनको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। मणिपुर महिला अत्याचार गृह मंत्री साहब राजधानी धामा ये जो है महाराष्ट्र से आए हैं और मराठी लैंग्वेज में कई सारे पोस्टर लेके आए हैं। पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।